गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बेसिकली पेंटिंग का काम नहीं लगा है, जो लेबर है वो कह रही थी भाई हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब लगातार काम कर रहे हैं तो थकावट हो रही है। हमने कहा बात तो सही है। एक्चुअली में क्या है, हम लोग जो पेंट करते हैं हाथ ऐसे उठा उठा के बहुत दर्द होने लगते हैं, हाथ में ऐसे ऐसे पेंट करते हैं ना जिससे बहुत दर्द होने लगती है। तो हमने भी सोचा कि हाँ यार, जो लोग पेंट तो कर रहे थे चलो एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। हमने कहा चलो आज फिर तुम्हारी छुट्टी है, एकदम बॉस वाली फीलिंग है। सारा सामान वामान सब यहीं फैला के रख गए हैं, ये देखिए घुड़िया उड़िया यहीं पे हैं। ऑलमोस्ट पेंट हो गया है, बाहर का होना है अभी, पिलर है वहाँ पे भी अभी होना है। ये पूरा ये हरा रहा जो है ये हटेगा, फिर ऊपर पेंट होगा। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 1:30 बज गया है, 1:45 बज रहा है। और आंटी आज बहुत लेट आई हैं, आज बहुत लेट आई आप। लेट इसलिए आए कि वीडियो देख रहे थे। ओफो, किसकी? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत। मेरी वीडियो और क्या, हमारी अपनी वीडियो। कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी थी। साउंड वाली की देखी थी? हाँ, साउंड वाली भी देखी थी। और कल जो बनी वो भी देखी थी। वो देखा भंडारा के लूट के आए थे हम लोग। भंडारा भैया इतने चलते चले, भाई इसने तो मेरी पूरी वीडियो पीछे से भी बनाई, चलते चलते भी आगे से भी बनाई। जब तुम वो ले रही कटोरिया वो भी बनाई। उसमें तो जब हमने जैसे उठाया वैसे गोला आ गया, फिर हमने उठाया फिर गोला आ गया। हम समझ गए पत्ता गिन रहा है, उठाया सारे को दे दिया, फिर से उठाया शारिफ को तीन दिए। चार शारिफ लिए थे, चार आप लिए थे, एक हम लिए थे। तो मेरे पे तो मैं वीडियो बनानी थी। सारे बातें ही कहाँ है और कौन? क्यों नहीं आते? क्यों, हम शारिफ कल आए थे, दोनों आए वीडियो में कल। आना और बोलने में फर्क होता है, आने में तो अनजान लोग भी आते। एक होता है आके निकल जाए और एक होता है कैमरे में बोले, अलग बात होती ना। तो हम ही मिलते हैं बस, लोग आपको पसंद करते हैं इसलिए कैमरा भी आपकी तरफ होता है। भाई जो एक्टर होता है उसके सामने कैमरा होता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। अरे सीमा तो कह रही थी, क्या कह रही थी कि सीमा आंटी तो अच्छा फेमस हो रही, बढ़िया यहाँ से निकलती है तो बोल दो, कहते हैं आपको खान लाइफ स्टाइल में आती। एक बार बोली थी जब बताया तो था हाँ, तो कि आप तो उसमें आती है यूट्यूब में। और क्या हर जाते हैं, अरे आप तो वही है ना जो ब्लॉग बनाते हमने। हाँ अरे बहुत बहुत डोंट होगा, मेरे कॉलेज में पूरा फेमस है, गुड बाइन में फेमस है, गुड बाइन में जिनको हम नहीं जानते वो बच्चे तक सब्सक्राइब करके डेली पहले स्कूल जाने से पहले वीडियो देखते हैं। आज मैं आने से पहले वीडियो देखा, हाँ तभी 1:30 बज गया, तभी लेट हो गई आंटी। आज लेट हो गई हम लोगों की वीडियो की वजह से। तो क्या ये हमारी गलती है क्या? और क्या आंटी, लेट हुई हमारी गलती है। और क्या? अच्छा हम अगर ब्लॉग ना बनाते तो आंटी लेट ना होती, ब्लॉग तो बनेगा। ये गायब क्यों किया जाए, सब पता है। मेरा रीजन क्या है? क्या रीजन? जरा सी के बाद ऐसे हमारी मुल्तानी मट्टी हम लोगों को हाथ से लगानी पड़ती है, ऐसे करके चेहरा ना होगा दीवार होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, ये है चने की दाल, रोटी और प्याज के साथ अचार। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, प्याज और अचार को मिलाने जा रहे मिला मैं यह वीडियो नहीं बनाने दे रहा, ये आवाज कर रहा फालतू में, मिलाने जा रहे हैं। अरे मिलाने जा रहे हैं, कैसे लगेगा पता नहीं। अचार और प्याज को मिला दिया है, अब देखते हैं कैसे लग रही है। ये बच्चे फिर पंगा करने लगे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। अभी तो फिलहाल खेल रहा हूँ, दांत में चोट भी नहीं लगती, चाहे जितना पटको चाहे कुछ भी करो। अरे भैया ये हमारे मोहल्ले के सबसे शैतान बच्चे हैं, देखो कहाँ तारों में घुस के निकल गया। लास्ट लेबर नहीं आ जाए लेकिन कल तो आएगी ना, तो कल वो कैश मांगेगी और हम कहाँ से देंगे, तो उनके पास UPI तो होता नहीं है। अब जा रहे हैं कैश निकालने कल के लिए, और अब उनके सामने कैश निकालने थोड़े जाएंगे, तो अभी जा रहे हैं निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद कल उनको दे देंगे। यार ये बहुत बेकार चीज़ है यार, कैश निकालना है, ऐसी कोई ATM मशीन आ जाए जो घर में भी हो। माँ ये देखिए अंकल, जल अंकल भी अपने क्यारी में काम कर रहे हैं, सियाडो अंकल भी कर रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी, क्या हो गया जी?
दो महीने बाद हाँ गुलाब की लाइन लगी हुई है। हाँ गुलाब है भाई, ये गुलाब का फूल लगा हुआ। हाँ भाई देखिए पूरी लाइन है। चलिए अब जो एकदम लाल होने वाला है। अरे और किसी को अपने गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब चाहिए तो यहाँ से ले लीजिए भैया। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अंकल हम तो ये सोच रहे हैं कितना अच्छा लगेगा, किनारे भी रहेगा इसी समय। हाँ, हाँ, और ये हट जाएगा पूरा, ट्रैक्टर आएगा उसको अच्छा मड़वा पूरा हटा दिया जाएगा, ट्रैक्टर ले जाएगा। हम सोच रहे अंकल कितना अच्छा लगेगा पूरा गुलाब, यहाँ पूरा गुलाब वहाँ सामने भी लगा। अरे वहाँ पे भी लगाएंगे सामने, लगा लगा हुआ किनारे। ये डबल लाइन है, वो सिंगल लाइन होगी, ये डबल लाइन होगी। कितना खूबसूरत लगेगा अगर इमेजिनेशन करके देखें, बहुत बढ़िया अंकल। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, करीब 2 से 3 महीने बाद दिखाते हैं यहाँ की पोजीशन क्या है, और बीच में दिखाते रहेंगे कौन कितना बड़ा हुआ है। देखिए ये है छोटा पेड़ चीकू का, चीकू आ रहा है इसमें, अभी कहाँ आएगा, अभी तो छोटा सा आया था, झड़ गया वो, छोटा है पेड़ इसलिए। चीकू का बच्चा आ चुका है मगर वो देखो ये देखो यहाँ आया है, आया था फूल आया, ये आया छोटा सा फूल, ये देखिए कुछ ज्यादा छोटा है ये फूल, देख कितना बढ़िया लग रहा है। कल हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर रह चुके हैं, अफसर रह चुके हैं, अंकल को बहुत नॉलेज है मस्सी एग्रीकल्चर की। हाँ आपने तो पूरी नॉलेज है भाई पेड़ पौधे की। अंकल आपको पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा प्यार होगा ना, नेचर से नॉलेज है, पूरा प्यार है। कौन सा पौधा सूख रहा है मैं दूर से बता दूंगा कि क्यों सूख रहा है। आज आप यहाँ कोई पौधा बो दो मेरे सामने, चना हो या मटर हो या गेहूँ हो, 3 महीने बाद तो फसल पक जाएगी, मैं देखूंगा नहीं उसको फसल, मैं बताते रहूंगा इस कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में है, कितना बड़ा है, कितनी पत्ती है, कितने फूल आए हैं, कितनी फली है, क्या बात है, बीमारी लगने की संभावना है, दवा छिड़क दो बिना देखे है। कल अपने घर से वहाँ खड़े होकर बता देते हैं कि यहाँ पे जो फूल लगा है, यहाँ पे जो पेड़ लगा है उसकी क्या कंडीशन है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी नॉलेज है। देखे बिना देखे बता देते हैं, और जो पॉसिबल ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, नॉलेज से है। अभी यहाँ पे ATM आ चुके हैं और वो देखिए वहाँ पे कितना बड़ा घर है, और उसके नीचे करीब पिज्जा 99 के नीचे एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो वहाँ पर जाके एक बार देखेंगे क्या है कैसा है। आई थिंक चाइनीज है वो। हेलो व्हाट यू वांट यूनिट क्या नो। वो देखिए वो है, इसका नाम है काटे सिंह, और ये लोग यार बहुत टाइम लगा रहे भैया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी भीड़ लग गई पीछे, लंबी लाइन लगी है, ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं, ATM के पैसे गिन रहे हैं। बहुत टाइम लगा रहे। चलो दद्दू जी आइए, अब आगे हमारी बारी। तो अभी कैश निकाल लिया, आप जा रहे हैं नहीं सर कल के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट की बोरी उठानी है, और जब रखी है तो गाय के लिए पैसे खर्चा करें, और वहाँ से उठा के करीब 1 से 2 किलो का सीमेंट है, वहाँ से उठा के फिर अपने घर पे काम करा लेंगे। अंकल और शिपू भाई क्या हाल चाल? ठीक है ठीक है, बड़ी देर लगा थी खोलने में, हो रहा है ठीक है? नहीं नहीं वीडियो देख रहे थे। ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू। आपका कहाँ? ऊपर। चलो ऊपर ही चलें, हम भी देख लेंगे। तो अभी जा रहे हैं ऊपर। भाई साहब कितने ऊपर चल रहे? अभी और ऊपर है भैया। ओ वाओ क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। अब ये व्यू दिखा रहे हैं, हमें व्यू चाहिए। हाँ यार वो बहुत गजब का, कानपुर की शान है, कानपुर का पता नहीं आवाज विकास की शान है, इतनी अच्छी हवा चलती ना, अगर आप उड़े तो कुछ बचाने वाला है नहीं आपको, पूरा खुला हुआ है। बहुत सही, और वो देखिए वहाँ पे महाराणा प्रताप, वहीं पे हम लोगों का घर भी है, दिख रहा है मगर कैमरे में नहीं दिख रहा भैया, ऐसे ही देख लो, हम ना जाएंगे आगे। अंकल आपका घर तो भाई बहुत बहुत ऊंचा है, ऊंचा भी थोड़ा ऊंचा ही कम है, अभी और ऊपर जा, ये देखो खड़े रहो प्लेयर, अभी और ऊपर जाएगा, मुझे सामने वाला है पूरा दिखने लगेगा आपको, सेम बराबर रहेगा। बराबर है, बाप रे बाप, हम लग नहीं रहा हम उतर पाएंगे।
अरे भैया आप इतनी सारी चीजें कौन पकड़ेगा? डूड पर एक हाथ में मोबाइल, अब लग रहा है दो हाथ एक्स्ट्रा लगवाने पड़ेंगे। एक बार घर से बाहर निकले, घर ही नहीं जा पा रहे हैं। अभी आए सरस्वती ज्ञान मंदिर, ये रहा पूरा स्कूल, और जहाँ पे सार्थक को लेने आए एक्चुअली में मम्मी के पास की गाड़ी नहीं थी, कोई ले गया था, तो यहाँ पे सार्थक ट्रिप में गया था अपने स्कूल के ट्रिप में। और करीब टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, 8 बजे बस आने वाली है, तो हमने कहा लाओ हम ही ले आते हैं, उनकी मम्मी का फ़ोन आया था, तो हमने कहा लाइए हम ले आते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम ले आते हैं। अभी तो खैर जैसा देख रहे हैं बस अभी आई नहीं, आने वाली होगी, और जब आ जाएगी फिर आपको फिर से सार्थक से मिलवाते हैं। सार्थक कौन? जिसके हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे पिज्जा खाने। ये रहा पूरा स्कूल, ओहो लाला चमक भी रहा है, SGM इंटरनेशनल स्कूल बिल्डिंग बढ़िया है, रात में दिखने लगी। यहाँ पे सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, सारे बच्चों को यहाँ पेरेंट्स का नहीं जाते हैं, मोबाइल की लाइट चाहिए। उधर वहाँ बस आ चुकी है, 8:30 बजे आई, बच्चे बड़ा खुश है। पहले स्कूल के अंदर जाएंगे, आ गए भाई सार्थक भाई आ गए। सार्थक पहले स्कूल जाएंगे फिर बाहर आएंगे, कर लेंगे। हाँ और क्या, कोई बच्चा रहा तो नहीं, नहीं जिम्मेदारी होती है ना स्कूल वाले में, कितना बच्चा आया कितना नहीं आया। यहाँ तो पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है कौन पेरेंट्स आए कहाँ से बच्चा आया। अच्छी बात है, अब हम वापस आ गए, अब जा रहे भैया के साथ वापस घर। अब 1 घंटा लेट तो हो ही जाता है, बस सही है, बस है, थोड़ी बहुत देर हो जाती है। हाँ थोड़ी बहुत देर हो जाती है, हाँ बस घुमाना पड़ेगा। हम गए थे लखनऊ, बहुत बढ़िया, अब मिले हम क्या बस ही गए थे मेरे साथ, हम थोड़ी गए थे। अभी हम लोग नाइट लाइफ पार्टी होती है, अब नाइट लाइफ गाइड हो रही है। हाँ चलता रहता है ना। हाँ यही लेफ्ट घुमा लीजिए। अच्छा लगा, बढ़िया मजा आया? हाँ ठीक था। मतलब ठीक ही था, मतलब टी वाई है ना, टीचर थे तुम, बात वही मानना। आजादी नहीं मिल पाई है? हाँ आजादी। गए कहाँ थे लखनऊ? हैं लखनऊ कहाँ गए? इमामबाड़ा गए थे, साइंस सिटी गए थे, यही सब घूमे। हम ऐसे ब्लॉग बना रहे, ऐसे लड़के रील डालते यूट्यूब पे गाना लगाते। हमारे स्कूल के तो जा रहे लटक के लटक, तो जिनके पास 4 बच्चे होंगे और वो बाइक से जा रहा होगा, स्प्लेंडर होगी तो पक्का लग जाएंगे। हाँ वो आ रही कानपुर में, गायब हो गई, आवाज सुन के काम चलाइए। ये बाकी कानपुर का मेट्रो स्टेशन, SPM हॉस्पिटल, RBI का स्कूल, गुड वाइन, मेरा भी है। हाँ मतलब कितना था, फिर से यूटर मार के आ रहे हैं। और बस घर 2 कदम की दूरी पे, 2 कदम की दूरी पे नहीं है, 2 बूंद पेट्रोल की दूरी पे। हाँ भाई 2 बूंद पेट्रोल पैदल नहीं चल रहे। भावनाएं समझ ली होंगी लोगों ने, बोरा शारी भैया का घर। फिर धन्यवाद हमको छोड़ने के लिए। ठीक फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, 9 बज रहा है और वही अब खाना खाने जा रहे हैं। सामने है चने की दाल और चावल, यही हमने दोपहर में खाई थी चने की दाल, अब जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यही खानी पड़ेगी। तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।